अग्निपथ योजना के विरोध में आज कई जगहों पर भारत बंद। आधिकारिक तौर पर किसी संगठन ने नहीं किया भारत बंद का ऐलान। हाई अलर्ट पर आरपीएफ जीआरपी। आरपीएफ ने अपने जांच अधिकारियों को दिए सख्ती के निर्देश। रेल रोकने रेल को आग लगाने पर संगीन धाराओं में दर्ज होगा मुकदमा। बंद के दौरान शरारती तत्वों पर बारीकी से रखी जाएगी नजर। हिंसा करने वालों के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य जुटाने के आदेश। बुलडोजर एक्शन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करके यूपी सरकार जमीयत उलमाए हिंद ने दाखिल की है अर्जी। तौकीर रजा का विवादित बयान, कहा ट्रेन जलाने वालों की बात सुनी जा रही। हम ट्रेन नहीं जला रहे इसलिए हमारी बात सुनी नहीं जा रही। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आजमगढ़ का दौरा। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में करेंगे जनसभा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज महाराजगंज और प्रयागराज का दौरा। गरीब कल्याण मेले में लाभार्थियों को करेंगे संबोधित। सपा नेता आजम खान पर दर्ज मुकदमे में आज कोर्ट में सुनवाई। लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में होगी सुनवाई। बाराबंकी में रिटायर कर्नल की अनोखी पहल। बेटी के साथ शुरू की लखनऊ से अयोध्या की पदयात्रा। अग्निपथ पर बोले गुमराह ना हो देश के युवा। यूपी के शाहजहांपुर में डबल डेकर बस पलटी। 30 से ज्यादा यात्री घायल। गोंडा से पंजाब जा रही थी बस। यूपी के हरदोई में बंदरों के आतंक से पुलिसकर्मी परेशान। थाने में पुलिसकर्मी की टोपी लेकर भागा बंदर। वीडियो वायरल। ताजनगरी आगरा में शराब के नशे में हाई टेंशन बिजली पोल पर चढ़ा युवा। घरेलू कलह के चलते उठाया कदम। पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 में रोज रेस का मामला। 4 नाइजीरियन युवकों ने नैनो कार सवार को के साथ मारपीट की। मामले की जांच जारी। पीएम मोदी का 2 दिवसीय कर्नाटक का दौरा। कई विकास योजनाओं की करेंगे शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह आज साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा कार्यक्रम। नेशनल हराल केस में राहुल गांधी की ईडी के सामने आज फिर से पेशी। कांग्रेस नेता को आज 4थी बार पूछताछ के लिए किया गया तलब। पंजाब के संगरूर में आज रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। उपचुनाव के लिए आप प्रत्याशी गुरमेज सिंह के समर्थन में मांगेंगे वोट। पुलवामा के चाटपोरा गांव में सेना और आतंकवादियों में एनकाउंटर। एक आतंकी ढेर, 2-3 आतंकवादियों के छिपे होने की संभावना। बिहार के 8 जिलों में आंधी और वज्रपात से 17 की मौत। सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख का मुआवजा। असम के कई जिले बाढ़ से प्रभावित। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। कई जगह जलजमाव की स्थिति।